अमेठी से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। ई चौपाल में अनाथ बेटी से अमेठी सांसद से की सिलाई मशीन की डिमांड को 24 घंटे के भीतर बेटी तक पहुंचाई गई सिलाई मशीन। अमेठी में उनका लाख लाख धन्यवाद करती हूं, मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी। स्मृति दीदी की तरह कोई और नहीं हो सकता, जैसा उन्होंने हमारे लिए किया ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। ये बातें अमेठी संसदीय क्षेत्र की एक अनाथ बेटी ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के लिए कही। जी हां, अमेठी की, जहां अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया। दीदी आपके द्वार की चौपाल में अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपनी दादी की जीविका चलाने के लिए सिलाई मशीन की मांग करने वाली किशोरी की बातों को संज्ञान में लेकर 24 घंटे के भीतर भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से युवती के घर सिलाई मशीन पहुंचाते हुए युवती से फोन पर बात करके आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ई चौपाल में अनाथ बेटी ने जीविकापार्जन के लिए सांसद स्मृति ईरानी से की थी सिलाई मशीन की डिमांड। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस महामारी के 2 माह पूर्व से ही अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी नहीं पहुंच पा रही और इस दौरान वे क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होने के लिए संसदीय क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉकों विधानसभाओं के साथ गांव पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई चौपाल में शामिल होकर अमेठी की जन समस्याओं से रूबरू हो रही है। एक दिन पहले अमेठी संसदीय क्षेत्र की भेटुआ ब्लॉक के सराय मोहन गाँव में इसी तरह की आयोजित ई चौपाल में अनाथ बेटी ज्योति सिंह ने सांसद स्मृति को अपने परिवार की आर्थिक समस्या से रूबरू कराते हुए अपनी दादी का जीविका पार्जन चलाने के लिए सिलाई मशीन की डिमांड की, जिसके बाद सांसद स्मृति ईरानी ने भी बेटी के बातों का त्वरित संज्ञान लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को सिलाई मशीन बेटी के घर पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। सांसद के निर्देश के 24 घंटे के भीतर ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलाई मशीन अनाथ बेटी के घर पहुँचा दिया। फोन पर की बात सांसद को दिया धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे और हमें पता चला कि मठिया में स्मृति दीदी का ई चौपाल लगा था और मैं कल गई वहाँ पे उनसे बात किया और कहा हमें समस्या है, तो उन्होंने हमारे लिए सिलाई मशीन मांगी और उन्होंने हमारे लिए सुबह ही सिलाई मशीन भेज दी। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद कहती हूँ दिल से। मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी। स्मृति दीदी की तरह कोई हो भी नहीं सकता है, जिसे उन्होंने हमारे लिए किया है ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। मैं बचपन से ही परेशान थी, लेकिन आज उन्होंने जब मुझे पता चला कि वहाँ पे लगा है और मैं गई उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने तुरंत ही मेरे पास भेजा। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद कहती हूँ।